हाँ गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रोहित भाई के साथ जा रहा हूँ गोवंडी शॉपिंग करने के लिए। तो रोहित भाई को क्या मालूम क्या हो जाता है कि तारदो का कुछ पसंद ही नहीं आता है, ऊपर से गोवंडी भागते। कुछ इनसे ज़रा कुछ पूछना, जो भी वीडियो देख रहे हैं इनसे ज़रा थोड़ा पूछ लेना भाई, तुम्हारे को क्या हो गया है? तारदो में कोई अच्छा कपड़ा नहीं मिलता है जो गोवंडी भाग के इतना लंबा, कुछ समझ में नहीं आता। अभी हम लोग जा रहे हैं, वो भी बाइक से जा रहे हैं, और डबल हेलमेट लागू है, पहन के तो जाना ही पड़ेगा। चलो चलते फिर। पेट्रोल पंप पहुंचने वाला है, क्योंकि पेट्रोल भी भरा नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल है ही नहीं। कैसे कैसे करके बाहर परेल तक के आई है पेट्रोल भराने के लिए, नहीं तो बीच में कभी बंद हो सकती थी। चलो पहुंच चुके पेट्रोल पंप, गर्दी तो देख सकते आप लोग, बहुत गर्दी है भाई। कितने का भरा नहीं है? और इतना सिर्फ गोवंडी जाने के लिए भाई ने 500 रुपये दिए पेट्रोल भराने के लिए, जाने आने के लिए, और उससे ज़्यादा पेट्रोल क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है भाई। 2000 का ना लेंगे, बोल 500 का। भाई का मीटर बहुत फास्ट है, चलो चलते थे रिटर्न लॉन्ग ड्राइव पे।
फाइनली हम लोग 3 नंबर शिवाजी नगर पहुँच चुके हैं गोवंडी। तो भाई को यहाँ से शॉपिंग करने में अच्छा लगता है, कुछ खासियत तो है ही नहीं है जगह की, आप भी लोग देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली मैं गोवंडी पहुंच चुका हूँ। तो आज मेरे दोस्त को कॉल करता हूँ, देखते हो यहाँ पर ही है या नहीं, कॉल करके एक बार ट्राई करता हूँ, अगर मिल गया तो सही है। सॉरी गाइस, मैं अपने दोस्त को कॉल किया कि पूछा किधर है, तो बोलता मैं चीता कैंप में रहता हूँ, गोवंडी में नहीं, तो नहीं मिल सका। अभी मेरी बहन का भी घर इधर ही है, तो सोच रहा मैं उनसे ही जाके मिल लेता हूँ। तो चलो फिर फाइनली भाई की शॉपिंग हो चुकी है। 6 शर्ट है, 2 पैंट है। अरे भाई शर्मा रहे भाई कैमरे में आने में। और ये भाई के स्टोर जहाँ से कपड़ा लेते हैं। चलिए चलते फिर अपने घर पे कर दो, तो गोवंडी को बाय बाय बोल दो भाई। रोहित भाई गोवंडी को बाय बाय बोल दो।